सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं LIC AA का आई थिंक 6 से 7 मॉक कर चुका हूँ, ठीक है। और इसका फुल वीडियो भी अपलोडेड है मेरे प्लेलिस्ट में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज हम लोग LIC AA का मॉक नंबर 9 करने जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक का। अगर आप पहले दे चुके हो तो आप अपना मार्क्स जरूर शेयर करना, और अगर अभी तक आप नहीं दियो तो करके आप मुझे अपना मार्क्स शेयर करना। और जिनके पास नहीं है वो मेरे साथ देंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। और जो भी मार्क्स आएगा मेरे साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर बिगिन द मॉक हम साउंड को ऑफ कर देते हैं, सो दैट प्रॉब्लम ना हो आपको वाइल गिविंग मॉक, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड से काफ़ी नॉइज आता है जिससे आपको परेशानी हो सकती है। और मैं फ्रेंड्स अब ये कैमरा सेटअप करूंगा, जो कि जो भी सॉल्यूशन मैं करूंगा ना वो आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब कुछ ही दिन में, और चलिए मॉक को स्टार्ट करते हैं, बट साउंड को ऑफ कर दे।
तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि जो मेरा परसेंटाइल है वो 85.15% है। 80% एक्यूरेसी है। 87 मैंने अटेम्प्ट किया, 47 मार्क्स आया, यानी कि कहाँ गलत हुआ देखते हैं। और 364 रैंक है, मतलब आज का जो मॉक का लेवल था ना वो वाकई में बहुत बढ़िया था। पसीने आ रहे थे करते करते कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन फाइनली जितना कर पाया फिर भी नेगेटिव में चला गया मैं। कोई नहीं, देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, उसको फिर रिकवर करेंगे। ओके तो ओके, पजल में और एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, अल्फा न्यूमेरिक नहीं, नंबर सीरीज में, अल्फाबेट सीरीज में और एक पजल में। तो ये पजल कौन सा था? ये पजल था आपका वेरिएबल का, तो इसमें गलत हो गया। और ये भी वेरिएबल का ही था जो फ्लोट वाला होता है फ्रेंड्स, और फ्लोट वाला नहीं, वेरिएबल प्लस सिटी, किधर जा रहे हैं लोग, वो वाला है। और ये सब अटेंड में किया नहीं, टाइम ही नहीं था यार इतना। मतलब पेपर का जो लेवल था ना वो मॉडरेट टू हाई ही था मेरे अकॉर्डिंग, और आप जरूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग ये कैसा इसका लेवल था। विद इन टाइम आपका हो पाया कि नहीं हो पाया बताइएगा जरूर। और क्वांट का देखें तो क्वांट का तो यार काफी गलत हो गया मेरा, फोर्थ गलत हो गया, 210 इसका होगा आप कंफर्म हो, क्योंकि उस टाइम 1212 हो रहा था माइंड में मेरे। और इसमें तो यार सभी गलत हो गए भाई, 76.4 होगा क्या? नहीं, 75.6। यार कैलकुलेशन कैलकुलेशन की वजह से गलत हो गया। और इसका क्या आंसर होगा? 93.79। वही है फ्रेंड्स, तम तम छोटा सा छोटा तम सिली मिस्टेक भी हुआ ना आपसे तो पूरा डीआई गलत हो जाता है। और एक ये गलत हो गया, तो इसका इसका 8×40=15, 3/8, 3/8 कैसे होगा? 15 इधर जाएगा तो 8 इधर आएगा, 3/8 होगा इसका। ओके फ्रेंड्स, ये मैं एलिगेशन से किया था, और क्या ही बोलूँ, आप बताइएगा कि आपका कितना आया था इसमें। ठीक है, और यार अब से ना मैं कैमरा ऑन करके करूँगा सो दैट आप भी देख पाओ कि हाँ मैं कैसे कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरा गलत हुआ है वहाँ आप मुझे बता पाओ कि आप ऐसे गलत किए हो। तो और सब तो ये फ्रेंड्स मैं अटेम्प्ट ही नहीं किया था, अदरवाइज इंग्लिश में देखते हैं यार, इंग्लिश में भी काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। पांचवा गलत हुआ है इसका। अच्छा जो इन ओ सेट मैन, इनकरेक्ट बताना था मुझे, तो बी और सी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, देखिए यही होगा, मैं करेक्ट कर दिया था सिली मिस्टेक की वजह से ना, जल्दबाजी के चक्कर में आप गलत कर ले रहे हो, और डायरेक्शन से मुझे लग रहा है सभी गलत हो गया यार। बी में दैट ही रियरली रियर होगा क्या यार? एक मिनट, स्लीप क्या है? स्लीप है नाउन, स्लीप नाउन है, तो यहाँ पे स्लिप्ट होगा, स्लिप का पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब है यहाँ पे स्लिप। ओके और नेक्स्ट, आफ्टर प्लांटिंग द टाइम बॉम्ब, ये मुझे डाउट लग रहा था बट फिर भी मैं कर दिया था, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। इसका नो एरर होगा। ओके नेक्स्ट, बेसिकली फ्रेंड मेरा एरर में गलत हुआ है, मुझे एरर पे अभी और वर्क करना है। और एक किस में गलत हो गया? पांचवे में क्या आएगा? तो पांचवे में मैं क्या किया था? नॉलेज और मतलब आर्टिकल है, आर्टिकल के पहले एडजेक्टिव होगा क्या? तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? यू शेप का विथ मिडिल इज, देखते हैं, तो यहाँ पे गेंड होगा एडजेक्टिव, जो कि पास्ट पार्टिसिपल का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। आंसर क्या है यहाँ पे? ओके 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 और सब तो सही होगा। और एक यहाँ शायद ये देखते हैं ये कौन सा गलती है? अच्छा इसका देखते हैं क्या होगा, मिसपेल्ड का एगोनी सफरिंग, तो सफरिंग का क्या होगा? SUFFERING, PRIDE,
SUWFERING करेक्ट बोला था क्या ये? ओके, SUWFERING यही तो है यार यहाँ भी। द करेक्ट आंसर सफरिंग, SUWFERING। डबल आर फ्रेंड यहाँ पे नहीं होगा इसीलिए गलत हुआ है। और इसका स्टोन मैन सेंस होगा क्या? हाँ वही होगा। तो यही सब गलतियां हुई है मेरे से। आप बताइएगा फ्रेंड कि आपको इतना मार्क्स आया इस वाले पर्टिकुलर मॉक में, ठीक है? तो चलिए फिर आप बताइएगा जरूर। टिल देन चलता हूँ, ठीक है? और आप अपना ख्याल रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हो। थैंक यू।